मेटीटोल टैबलेट जो कि बनाई जाती है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम एरिस लाइफ साइंस है, उसके द्वारा बनाई जाती है। इसके अंदर मेटफॉर्मिन 500 ml, मियो इनिशिटॉल इसके अंदर 600 mg रहता है, 424 रुपीज़ का ये पूरा स्ट्रिप रहती है जिसमें 15 गोली रहती है। ये टेबलेट जो कि यूज़ होता है बहुत सारे केस में, जैसे कि ट्रीटमेंट करने के लिए पॉलीसिस्टिन ओवरी सिंड्रोम PCOS में इसको यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का है, डोज में सुझा तो कैसे लेने का है, और इसका सब्सिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आपको इस टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एंड केवल मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पज के लिए, तो कोई भी मेडिसिन से कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। मेटीटोल टैबलेट जो कि बनाई जाती है एरिस लाइफ साइंस के द्वारा बनाई जाती है, दो दवाइयों से बनी गई ये टैबलेट है जिसमें मेटफॉर्मिन इसके अंदर 500 mg एंड मियो इनिशिटॉल 600 रहता है, 424 रुपीज़ का ये 15 गोली का पूरा स्ट्रिप रहता है जो कि ट्रीटमेंट करता है पॉलीसिस्टिन ओवरी सिंड्रोम का, और ये ओवुलेशंस और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी सही करता है। और अगर आप इस टैबलेट को ज़्यादा ले रहे हो, डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो, कंटिन्यूसली ले रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है जैसे कि टेस्ट का चेंज होना, डाइजीनेस होना, पेट में दर्द होना, नोजिया होना, डायरिया होना और भूख का कम लगना, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि हो सकता है। तो जब भी इसको ले तो डॉक्टर की सलाह से ले, डॉक्टर जितना जो ड्यूरेशन बोले उतना ले और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखे ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये टैबलेट काम कैसे करते, तो इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसके अंदर जो दवाई डाली गई है वो एक टैबलेट है जो कि मेटफॉर्मिन एंड मियो इनिशिटॉल डाला गया है जो कि पॉलीसिस्टिन ओवरी सिंड्रोम इसके अंदर ट्रीटमेंट करने के लिए रहता है। मेटफॉर्मिन एक एंटी डायबिटीज मेडिसिन है जो कि उस हार्मोन्स को जो पॉलीसिस्टिन ओवरी सिंड्रोम्स के बैलेंसिंग इंसुलिन करता है और रेगुलाइज करता है मेस्ट्रुअल ओवुलेशन साइकिल को, और मियो इनिशिटॉल एक नेचुरल अक्रिंग मैसेंजर ही है जो कि क्या करता है कि इंसुलिन के रिसेप्टर को रेगुलेट करता है जिससे क्या होता है ब्लेंडिंग होती है और इम्प्रूव करता है उस हार्मोन्स को जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जिससे क्या होता है इम्प्रूव होता है हार्मोन्स बैलेंस। तो ऐसे काम करता है ये COPD में। तो इसके बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।